डीडीसी सुहेल मलिक को चौधरी मोहम्मद अकरम के स्पोर्टर्स के बीच में कल तू तू मैं दिखाई दी, लेकिन कल के इस एपिसोड से एक चीज़ तो हमें साफ नज़र आई कि चौधरी मोहम्मद अकरम साहब ने बहुत नरमी के साथ जो है वो डीडीसी सुहेल मलिक और उनके स्पोर्टर से बात की, और ये नरम मिजाजी जो है वो चौधरी मोहम्मद अकरम के अंदर दिखाई दी। हालांकि मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कल जिस तरीके से सुहेल मलिक ने अपने गले से वो हार निकाल कर फेंकने की कोशिश की और उस स्पॉट से जाने की कोशिश की, और उस वक्त में चौधरी मोहम्मद अकरम साहब ने बहुत प्यार, इखलाक, इज्जत और किरदार के साथ डीडीसी सुहेल मलिक के साथ डील की। हालांकि इस ज़िमन में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि चौधरी मोहम्मद अकरम साहब की इस शराफत और इस नरम मिजाजी को लेकर लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। हम अगर ज़िंदगी में कभी एक बारी पंच या सरपंच बन जाते हैं ना, तो हमारा गरूर का जो मैार है ना वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम कभी किसी की तरफ आंखें उठाकर भी नहीं देखते हैं। आंखें उठाकर देखने से मुराद है कि हम अपने गरूर में आ जाते हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स जो MLA हो और जिसका एक परिवार सियासत की दुनिया में बहुत बड़ा नाम रखता हो जम्मू कश्मीर के इतिहास में, और जिस परिवार से लोगों को पद्म भूषण के अवार्ड मिले हों, जिस परिवार में कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हों, और जिस परिवार में जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक की सरकार के पास पूरा रिकॉर्ड हो और उस ट्रैक रिकॉर्ड को भी गुड बुक्स में दर्ज किया हो, ऐसे लोगों के अंदर भी अगर गरूर नहीं है, तकबर नहीं है, नरम मिजाजी है, तो इस नरम मिजाजी को हम सलाम पेश करेंगे। मैं चौधरी मोहम्मद अकरम का सपोर्टर नहीं हूँ, पहले नोट कर लें इस बात को, और ना ही चौधरी मोहम्मद अकरम से मैंने कभी ज़्यादा बातें की हैं, और ना ही कभी मुलाकातें की हैं, और ना ही कभी मेरी उनसे बातचीत हुई है। लेकिन कल जो वीडियो मुझे दिखाई दिया सोशल मीडिया पर, मैंने उस वीडियो से एक चीज़ को ऑब्जर्व किया कि आप देख लीजिए जनाब, एक MLA है, और एक ऐसा MLA जो सियासत के अंदर एक बहुत बड़ा नाम रखता है, जिसका सियासत में एक बहुत बड़ा कद है, और जो सियासत की दुनिया में अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से डील कर रहा है, और जिनके वालिद मरहूम का भी सियासत की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम था और आज की डेट में भी नाम है, और हालांकि उसी ख़ानदान से कई सारे लोग जो हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स भी रह चुके हैं, और जम्मू कश्मीर के लोग इंतहाई दिल से इज्जत करते हैं। एक ऐसा शख्स वहाँ पर जब ऑन स्पॉट उस इनॉग्रेशन के लिए पहुँचा, तो वहाँ पर जो DDC साहब हैं उन्हें बड़ा गुस्सा आ गया, क्योंकि DDC साहब का ये कहना था कि इसका क्रेडिट उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि ये रोड जो है ये उनके ही कहने पे जो है वो गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है। ठीक है, यहाँ तक हम ये बात मान लेते हैं कि क्रेडिट मिलना भी चाहिए अगर कोई काम कर रहा है, लेकिन वहाँ पे मौके पे जाकर जिस तरीके से एक गुस्से का इजहार करना, उसके बाद एकदम से स्पॉट से जाने की कोशिश करनी, और एकदम से जो है वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी, उस इलाके के अंदर जो है वो लोगों के साथ जाकर वहाँ पर अपना गम या गुस्से का इजहार करना, वो नाकाबले कबूल है। आप देख लीजिएगा, अगर एक शख्स एक कॉन्स्टिट्यूएंसी या एक इलाके का MLA है, तो उसका भी फ़र्ज़ बनता है एक इनॉग्रेशन फंक्शन पे आना। DDC साहब ने करवाया है, बहुत अच्छी बात है, उन्हें मुबारकबाद हम देंगे, उसके साथ साथ जिन लोगों ने उनका साथ दिया है हम उन लोगों को भी कहेंगे कि बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ से एक चीज़ दिखती है कि एक जीता हुआ MLA जो आज से पहले की सरकारों में पावर में था, जो आज के दौर में भी अगर किसी सरकार के साथ जुड़ना चाहे तो वो सरकार जोड़ने के लिए तैयार है, शायद क्यों ना वो भारतीय जनता पार्टी हो, लेकिन वो लीडर, वो नेता अपने आप को किसी जमात के साथ नहीं जोड़ना चाहता है, वो सिर्फ आवाम के लिए एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से काम करना चाहता है। और वो नेता, वो MLA उस फंक्शन पर, उस मौके पर पहुँचा, और उसके बाद जब दोनों टीम्स के बीच में तू तू मैं हुई, तो उन्होंने अपने लोगों को गुस्सा किया, अपने लोगों को डांटा कि आप खामोश रहें, आप चुप रहें, आपका यहाँ पे बोलने का कोई फ़र्ज़ नहीं बनता है, और सामने वाली जो DDC साहब की टीम थी उनको गले लगाया, उनको समझाया। तो बड़े कद का हमेशा एक बड़ा कद जो होता है, जिसका बड़ा वजूद होता है, उस बड़े कद और बड़े वजूद का यही माजरा होता है कि वो इसी तरीके से हर इंसान को जो है वो गले लगा लेता है। इम्पटी विसल्स मेक ऑलवेज नॉइस, खाली बर्तन हमेशा खड़कते हैं, है ना, आप लोगों ने सुना होगा, और वो कहते हैं भरा हुआ बर्तन कभी नहीं खड़कता है। मुझे लगता है कि कल वही मुझे वो चीज़ दिखाई दी अकरम साहब के अंदर कि वो एक भरा हुआ बर्तन है, और जिसने वहाँ पर शोर नहीं किया, जिसने उस पूरी सिचुएशन को नरमी के साथ हैंडल किया, और उस सिचुएशन के अंदर उन आम शहरियों से जो है वो नरमी से बात की, और उस फंक्शन को बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ जो है वो इनॉग्रेट करवा कर और सब चीज़ों को जो है वो क्लियर करवा दिया। सवाल ये नहीं है कि प्रोटोकॉल्स क्या हैं, सवाल ये है कि एक आम इंसान जब एक फंक्शन में पहुंचता है तो
तो वो फंक्शन की इनॉग्रेशन के क्रेडिट के लिए अगर कोई भी आएगा वो एक अलग बात है, लेकिन उस इलाके में, उस ज़िले में, उस रोड के लिए हर इंसान ने आवाज़ उठाई होती है, चाहे वो MLA और एक आम शहरी हो। अगर वहाँ पे कोई भी इंसान उस फंक्शन में चला जाए तो वो गलती नहीं है। एज़ पर प्रोटोकॉल्स अगर वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स को जाना है, DDC साहब को जाना है, या फिर वहाँ पे जो उनका प्रोटोकॉल है उसके अनुसार जिन लोगों को जाना है, वो एक अलग बात है। लेकिन क्या कोई एक आम इंसान वहाँ पर नहीं आ सकता है? क्या कोई फॉर्मर MLA वहाँ पर नहीं आ सकता है? क्या वो उन लोगों की खुशी में शामिल नहीं हो सकता है? सियासत को अपनी जगह रखें। सियासत सियासत के साथ है, तनकीद कर सकते हैं, तनकीद बराए तनकीद होती है, हम नहीं कहते हैं, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन कि जिसमें आप गुस्से में आ जाएं, आप पूरे माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर दें और एक शख्स उस पूरे माहौल को ठंडा कर दें और आपसी टकरार ना पैदा होने दे, उस चीज़ को जो है वो लोग अप्रिशिएट करते हैं। और वही चीज़ कल के एपिसोड में चौधरी मोहम्मद अकरम ने की है। यकीन माने मुझे वहाँ से किसी का फ़ोन कॉल नहीं आया है, यकीन माने। और मैं ये इसलिए रिपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि मैं चौधरी मोहम्मद अकरम का खास हूँ, मैंने कभी बात भी नहीं की है, मैंने तो कई सारे इंटरव्यूज़ उनके ख़िलाफ़ किए हैं। हालांकि उनके, मुझे लगता है, अफराद खाना जो सुन रहे होंगे इस वीडियो को या इसके बाद सुनेंगे, और जो माजी के मैंने वीडियोस किए हुए हैं उन चीज़ों को भी लेकर उन लोगों ने कई बारी सवालिया निशान खड़ा किया होगा मुझ पर। लेकिन आज जो चीज़ मैंने देखी वो चीज़ मुझे ऑब्जर्व हुई, एज़ पर मुझे अपनी आइडियोलॉजी मुझे ये महसूस हुआ कि इस पर रिपोर्ट करनी चाहिए। और एक MLA जो इक्तदार में रहा हो, एक MLA जिसका वजूद बहुत बड़ा हो, एक MLA जिसने अपनी आवाम के लिए काम किया हो, अगर वो इतनी नरमी के साथ पेश आ सकता है तो उसकी इस नरमी को सलाम पेश करना चाहिए। देखिए अभी DDC बने हैं, आगे MLA इलेक्शन लड़ना है, सफ़र बड़ा दूर है, चलो तो शाम तक चलो, ना चलो तो चांद तक ना चलो, ठीक है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे हालात के बीच में इंसान को नरमी रखनी चाहिए, और जो पेशेंस, जो सब्र हमें कल उनके अंदर दिखाई दिए और जिस तरीके से उन्होंने डील की, सब लोगों ने उन्हें अप्रिशिएट किया। फ़िलहाल के तौर के ऊपर चौधरी मोहम्मद अकरम साहब और उनके सपोर्टर्स ने कल के दिन में कोई दंगा नहीं किया है, कोई फसाद नहीं किया है, बल्कि चौधरी मोहम्मद अकरम ने अपने सपोर्टर्स को खामोश करवाया और वहाँ पर नरमी के साथ उस पूरे इलाके के अंदर उस इनॉग्रेशन के फंक्शन पर जो है वो अपोजिट जमात के लोगों को भी इज्जत दी, गले लगाया और साबित किया कि एक लीडर की यही क्वालिटी होती है कि वो अपने अपोजिशन वालों को भी मौका दें और उनके साथ भी जो है वो हिमायत और हमदर्दी से पेश आएँ, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे दिखाई दी। हालांकि एक MLA के अंदर भी बहुत गुरूर होता है साहब, और एक लोकल MLA नहीं है, एक ख़ानदानी MLA जिसके ख़ानदान से कई सारे लोग कैबिनेट के अंदर बैठ कर आवाज़ उठाए हैं और जिनके वालिद मरहूम का भी बहुत बड़ा नाम था सियासत की दुनिया के अंदर। और अगर इस कद का MLA इतना झुक कर अपनी आवाम के लिए रह सकता है तो आवाम के पास भी एक ऑप्शन है, वो चौधरी मोहम्मद अकरम है, कि आवाम को भी सोचना चाहिए कि क्या इस नेता के लिए कोई पॉजिटिविटी के साथ कोई बात रखी जाए या ना रखी जाए। फ़िलहाल एक छोटी सी खास रिपोर्ट थी डेली तस्कीन पे आमिर सुहेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम।